अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करूंगी। एक इंटरेस्टिंग मूवी के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, तो चले मैं आपको मूवी के बारे में बताती हूँ। जैसे कि इमरान खान हम सबके फेवरेट हैं, तो उनकी जो एक्स वाइफ है जमायमा खान, वो एक फ़िल्म बना रही हैं। फ़िल्म का नाम है अरेंज मैरिज। एक सहाफ़ी ने जमायमा खान से सवाल किया कि मूवी का नाम आपने अरेंज मैरिज ही क्यों रखा, तो उन्होंने बताया कि ये मूवी जो है वो उनका गुजरा हुआ वक्त जो पाकिस्तान में गुजरा है उनका टाइम उससे रिलेट करती है, और ये मूवी पाकिस्तान के लिए एक प्यार भरा खत है। असल में इस मूवी की कहानी ये है कि एक सच्चे प्यार की तलाश में एक लड़की होती है, उसके ऊपर ये मूवी है। लड़की जो है वो हमारी मोस्ट टैलेंटेड गर्ल सजल अली हैं। इसमें हमें बहुत मेन कैरेक्टर में शबाना आज़मी भी मिलेंगी, जो इस मूवी में जिनका अहम किरदार है। इसके अलावा मूवी की शूटिंग आधे से ज़्यादा लाहौर में हुई है। मूवी के अंदर मोस्टली कास्ट हमारी पाकिस्तान की है। उर्दू ज़बान में ये मूवी है, और ये मूवी जो है वो रिलीज़ हो रही है 24 फरवरी को बरतानिया में, और पाकिस्तान में इसकी रिलीजिंग का काम जारी है। और इस मूवी में जमायमा खान ने इमरान खान की भांजी के कुछ डायलॉग्स भी ऐड किए हैं, और जमायमा खान का कहना है कि ये फ़िल्म पाकिस्तान के लिए मोहब्बत भरा खत है। तो मैं तो ज़रूर ये फ़िल्म देखूंगी कि पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज है, और पाकिस्तान में उनका कौन सा अच्छा बुरा वक्त है जो उन्होंने इस मूवी के ज़रिए हम तक हम आम लोगों तक पहुँचाना चाहे। तो आप भी ज़रूर ये मूवी देखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।